नमस्कार, श्रावणीज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बाजार से भी अच्छे परफेक्ट गुआवा यानी अमरूद का जेली, वो भी बिना प्रिजर्वेटिव के, जिसे आप रेफ्रिजरेटर में रख के पूरे साल भर खा सकते हैं। ये अमरूद का जेली पूरे नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं, तो ये हेल्दी भी है। जैम और जेली टोटली डिफरेंट होता है। जैम फ्रूट के पल्प और चंक से बनता है और जेली फ्रूट को बॉईल करके छन्नी करके उसका पानी से बनते हैं। अमरूद का जेली में अमरूद का जो यूनिक फ्लेवर है वो भी बहुत अच्छे से मिलता है। और इस जेली में ना हमने कोई कलर डाला है और देख सकते हैं इसको बनाने के बाद कितना अच्छा इसका कलर आया हुआ है। तो देख लेते हैं इस अमरूद का जेली को कैसे बनाया है। हमने इस रेसिपी के लिए 2 kg राइप अमरूद लिया है और इसे अच्छे से धो लिया। जैम या जेली बनाने से अच्छे क्वालिटी का अमरूद होना चाहिए और अमरूद को खरीदने के टाइम में देखना होगा ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट ना हो और बहुत ज्यादा हार्ड भी ना हो। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अभी सारे काटे हुए अमरूद को प्रेशर कुकर के अंदर डाल देंगे। अभी इसमें पानी डालेंगे। एक मीडियम साइज ग्लास लिया है, इस ग्लास से हमने पानी डालेंगे। पानी फ्रूट के ऊपर दिखना चाहिए, इतना पानी डालना है, तो हमने 5 glass पानी यूज किया है। आप इसे प्रेशर कुकर के जगह बड़ा पैन में भी बॉईल कर सकते हैं ढक के। पैन में बॉईल करने से ये काफी टाइम लग जाता है, इसलिए हमने प्रेशर कुकर में इसे बॉईल करेंगे। 5 glass पानी डाला है और ये फ्रूट के ऊपर भी आ चुका है। अभी इसे गैस के ऊपर चढ़ाएंगे, कुकर का ढक्कन भी लगा देंगे, विसल भी लगा दिया। अभी गैस ऑन करके हाई फ्लेम में एक विसल होने के बाद मीडियम फ्लेम में 6 से 7 सीटी लगाना होगा। प्रेशर कुकर को रूम टेम्परेचर में ठंडा कर लेंगे। बीच में एक बार खोल के पानी को चेक किया था और एक चम्मच से अमरूद को और छोटा छोटा कर लिया था। अमरूद बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है। एक बड़ा बोल के ऊपर छन्नी को रखेंगे और सारे अमरूद को छन्नी के ऊपर डाल देंगे। और एक तरीका से पानी को निकल सकते हैं, एक बोल के ऊपर डबल फोल्ड करके एक कपड़ा को रख के अमरूद का पानी को अच्छे से टाई अप करके हैंग करके छोड़ देने से रात भर पानी गिरता रहेगा, लेकिन उस प्रोसेस में भी काफी टाइम लग जाता है। अमरूद का पानी को एक दूसरा बर्तन में कलेक्ट करके रखेंगे, नहीं तो आप इसी को ही ढक्कन लगा के छोड़ सकते हैं पानी निकालने के लिए। लेकिन हम हल्का प्रेस करके पानी को धीरे धीरे निकाल लेंगे। स्टील का बर्तन में पूरे पानी को कलेक्ट कर लिया और अमरूद में बिल्कुल ही पानी नहीं है। अभी एक कपड़ा को डबल फोल्ड करके एक बोल के ऊपर रख दिया है, इसके अंदर अभी सारे पानी को डाल देंगे। ऐसे करने से जो भी छोटा पल्प स्टेनर के अंदर से पार हो गया है उसको हमने छन्नी कर सकते हैं। इसे हम यूज नहीं करेंगे। अभी हम खुद का जो बॉईल किया हुआ पानी बिल्कुल साफ है। गैस ऑन करके एक पैन को गर्म होने देंगे। अभी इसमें अमरूद का पानी को डाल देते हैं।
अमरूद यानी गुआवा लिए थे 2 किलो, 2 चीनी हमें लिए हैं 1 किलो, चीनी को भी डाल देते हैं। चीनी को मेल्ट होने तक चलाते रहना होगा। फ्लेम को मीडियम ही रखें। चीनी मेल्ट हो गया है, अभी इसमें 4 बड़े चम्मच लेमन का जूस को मिला देते हैं। जेली में चीनी के जगह हनी को यूज नहीं करते हैं। हनी को बॉईल करने से इसके सारे फूड वैल्यू खत्म हो जाता है। जिस ग्लास जार के अंदर जेली को भरेंगे उसे स्टेरिलाइज कर लेते हैं। अमरूद का पानी में फोम आना शुरू हो गया है, ये फोम को धीरे धीरे साइड में ला के उठा लेंगे। इस फोम को अब जितना नीटली क्लीन करेंगे जेली उतना ही देखने में अच्छा होगा। लो फ्लेम में 5 मिनट रखने के बाद अभी जार को निकाल लेंगे। थोड़ा देर बाद ये फोम आना शुरू होगा, तो इसे कढ़ाई का साइड में ले जाके उठा लेना होगा। ये है पेक्टिन। जैम या जेली बनाने के लिए पेक्टिन एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। ये पेक्टिन पाउडर आपको ऑनलाइन में आसानी से मिल जाएगा। हमने 2 बड़े चम्मच पेक्टिन को यूज करेंगे। पेक्टिन नहीं डालने से जैम या जेली अच्छे से सेट नहीं होता है। 2 बड़े चम्मच पेक्टिन पाउडर को अमरूद का पानी से अच्छे से मिला लेंगे। छन्नी के अंदर से डालने से पेक्टिन अच्छे से मेल्ट होता है अमरूद का पानी में। इस टाइम में फ्लेम को हाई रखना है। छोटे छोटे बबल्स जब पैन के ऊपर आ जाएगा तब इसका फ्लेम को मीडियम कर लेना होगा, और छोटे छोटे बबल्स जब थोड़ा बड़ा साइज का हो जाएगा तब इसका कंसिस्टेंसी चेक करना होगा। जेली का कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए बहुत सारा तरीका होता है। एक कटोरी के अंदर प्लेन पानी लिया, एक स्पून से थोड़ा सा जेली उठा के हल्का ठंडा करके पानी के अंदर डालने से अगर ये रह जाता है, पिघलता नहीं है, इसका मतलब सेट हो गया है जेली। और 5 मिनट जैसा होगा, पूरे थिक नहीं हुआ है। जेली को चेक करने टाइम में थोड़ा केयरफुल होना होगा। चेक करने टाइम में गैस को बंद करके चेक करें, नहीं तो जेली हार्ड भी हो सकता है। और एक तरीका से चेक कर सकते हैं, स्पून के ऊपर थोड़ा जेली लेके दोनों उंगली से ऐसे करके अगर देखिए ये एक तार हो रहा है, इसका मतलब ये सेटिंग पॉइंट में आ गया है। जेली का कंसिस्टेंसी ठीक हुआ है कि नहीं, गैस बंद करके और एक बार डाल के देखते हैं हल्का ठंडा करके। ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है जेली के लिए। जेली का साइड में जो फोम निकला था उसे उठा के वो इतना हुआ है। जेली हल्का गर्म रहते रहते स्टेरिलाइज्ड जार के अंदर डाल देना होगा। ये घर पर एकदम परफेक्ट बनता है। बहुत ही टेस्टी अमरूद का जेली रेसिपी को ट्राई कीजिए घर पर, और कैसा हुआ है आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए कमेंट के थ्रू। अमरूद का जेली को स्टेरिलाइज्ड बॉटल के अंदर पहले रूम टेम्परेचर में अच्छे से ठंडा करके रेफ्रिजरेटर के अंदर रखें। अगर आपको ये अमरूद का जेली रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए श्रावणीस किचन को, और अच्छा अच्छा हेल्दी टेस्टी यूनिक रेसिपी पाने के लिए। सब्सक्राइब करने से हमारा सारे रेसिपी आप तक इजीली पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे